अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड यू आर वाचिंग रिजी द बेस्ट। अभी ऑफिस से आए हैं और बहुत थके हुए हैं, यकीन करें कमर में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन अब काम करना है। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुछ पिंजरे के कुछ काम हमने करने थे, तो उसका रंग हमने उतार दिया, अब सिर्फ पेंट की बारी है। और पेंट मैं अभी तक ला नहीं सका क्योंकि कल फ्राइडे था। फ्राइडे की आपको पता है कि सारी शॉप बंद होती हैं हमारे मुल्तान में, तो अब आज सैटरडे है तो आज हम जाते हैं बाहर और पेंट का पता करते हैं और जल्दी जल्दी उनका पिंजरे को पेंट करेंगे ताकि बच्चे सुकून से अंदर रह सकें। बहुत तंग करते हैं हम तो, पकड़ पकड़ के थक गए हैं। अब मुगरी भी होने वाली है, जल्दी जल्दी जाके पता करते हैं, ये ना हो कि शॉप फिर बंद हो जाए। और उससे पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या पक रहा है। किचन से आवाज़ें तो आ रही हैं। ओ ओए 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 पकौड़े, ओए आज पकौड़े मिल रहे हैं, जाने से पहले खा के जाते हैं फिर इसको। तो दोस्तों पेंट की दुकान में मैं जैसे ही आया हूँ और दो मिनट के बाद आंधी शुरू होती है और आंधी आप देख रहे हैं कैसी खतरनाक आंधी आती है, बहुत लकी लगती। दोस्तों जब मैं घर से निकला था मौसम बिल्कुल ठीक था, और जब मैं शॉप पे पहुँचा हूँ और जब मैंने पेंट जैसे लिए ही है तो मैंने मुड़ के देखा तो आंधी इतनी जोर से आंधी आई है, मट्टी मट्टी हो गया। आप देख रहे होंगे मेरी हालत से कि मेरी क्या हालत हुई है। मुझे तो वैसे ही जब भी मैं बाइक चलाता हूँ हेलमेट की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं हो रही है। अभी भी आती रहती है, देखते हैं आप। बहुत बुरा मौसम हुआ था, लाइट भी गई हुई है, पेट्रोल पंप पे एक जगह लाइट है तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, बहुत गंदा मौसम हुआ था। अभी भी मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि आंधी अभी भी चल रही है, बहुत खतरनाक मौसम हुआ है। तो दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर पहुँच गया, और ये अभी तो गाइस खैर खैरियत से मैं घर तक पहुंच गया हूँ और नहा भी लिया, लेकिन अभी भी आंधी चल रही है, हवा में मिट्टी है। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि सूजी के पपीस में से दो पपीस सेल कर दिए। बड़ा एक सैड मोमेंट होता है क्योंकि अगर जब आप किसी चीज़ को रखते हैं तो जाहिर सी बात है अटैचमेंट हो जाती है। तो गाइस बात हो रही थी इन पपीज की, तो इन बच्चों में से दो तो सेल हो चुके हैं लेकिन बाकी मुझे दिल से याद आते हैं क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। तो चाहे कोई भी हो, जानवर हो चाहे वो इंसान हो, तो अटैचमेंट मेरी बहुत ज़्यादा थी इन बच्चों के साथ, तो देते हुए भी फील हो रहा था कि ना दूँ ना दूँ। लेकिन जाहिर सी बात है इन 10 के 10 बच्चों को मैं अपने पास रख तो नहीं सकता क्योंकि इनकी खुराक का भी होता है, लेकिन मैं आई होप के जिधर भी हैं, जिधर भी वो गए हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। बाकी आंधी की वजह से लाइट गई भी है, और जब हवा थी ज़्यादा तब लाइट आ रही थी, जबकि हवा अब थोड़ी कम हो गई है तो लाइट चली गई। तो अभी बैठे हुए थे सारे मिलके घर वाले, तो आज छोटे भाई की भी छुट्टी थी और आज मैं भी घर हूँ। मैंने कहीं जाना था अपने दोस्तों के पास लेकिन नहीं जा सका, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर से कुछ मंगवाया जाए। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आई थिंक वो आने वाला ही होगा, तो पिज़्ज़ा खाएंगे आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली पिज़्ज़ा आ गया है, ये पिज़्ज़ा आ गया है और ये पता नहीं छोटे भाई ने और क्या मंगवाया जी। तो ये रहा पिज़्ज़ा हमारा। तो गाइस ये अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजे का। तो दोस्तों आज नेक्स्ट डे है और रात आंधी की वजह से कुछ कर नहीं पाए, तो अभी उठाऊँ मैं सुबह। तो अब आज ऐसा है कि आज सूजी को पहले नहलाना है क्योंकि सूजी की जो स्किन है उसमें छोटे छोटे से दाने आ रहे हैं क्योंकि गर्मी हो गई है। उसको हर साल ऐसे ही होता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसको उसके जो बाल होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। खैर ये हर डॉग के साथ ऐसा ही होता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो बाल उतर जाते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो नए बाल उनके आ जाते हैं। तो अब जाते हैं सूजी के पास और सूजी को नहलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली बाहर मैं आ गया हूँ और बाहर आके मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा जो कूलर है कूलर का पानी चलना बंद हो गया, पंखा तो चल रहा है लेकिन कूलर का पानी नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल सूजी को नहलाता हूँ। ये रही हमारी सूजी और ये बच्चे,
बच्चे को अभी अभी पानी दिया और सारा पानी पी गया, माशाल्लाह गर्मी है इस वजह से पानी भी देना स्टार्ट हो गए। और इसमें तो मेरे ख्याल से स्विमिंग पूल समझ लिया, एक तो बिल्कुल ही अंदर एडजस्ट हो गया है पतीले के। हेलो भाई, स्विमिंग पूल नहीं है, आपस में खेल रहे हैं और खेल खेल में एक दूसरे को नुकसान कर देते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ हम इस गैराज में तो इसका नहला नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं, बार बार वो जब मैं सूली का नहलाऊंगा तो पास आएंगे। तो एक काम करते हैं, छोटे गैराज में लगे हैं, वहाँ नहलाता हूँ। तो गाइस सूजी को नहला दिया हमने और ये रही सूजी हमारी, इसको धूप में बाहर ऊपर लेके आया हूँ ताकि ये सूख जाए क्योंकि जो टॉवल था वो पता नहीं कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहा इसका। घर में कहीं और ऐसा कपड़ा है नहीं जिससे इसको वॉश कर सकूँ, साफ कर सकूँ, उसको पानी सुखा सकूँ। तो अभी ये है, ये रही सूजी, ये खुद ही अपने आप को झाड़ झाड़ के खुद ही सूख जाएगी, मुल्तान में गर्मी इतनी होती है। और ये रहा हमारा पिंजरा, ये हमने सारा रंग इसका साफ कर लिया है, अब सूजी को नहलाया और खुद भी नहाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं नहाता हूँ, उसके बाद बाहर जाता हूँ, ब्रश लेके आते हैं और काम निपटाते हैं अपना। तो दोस्तों नहा धो के फारिग हो गए हैं और अब बाहर चलते हैं और उसका ब्रश लेके आते हैं ताकि हम आगे अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं और देखते हैं कि क्या पके आज। और ओए 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 माशाल्लाह, आज तो मज़ा आ गया भाई, मैक्रोनी तो मैक्रोनी खाते हैं। तो दोस्तों ट्राई करते हैं, मज़े का। तो दोस्तों खाना चाना हमने खा लिया और अब हम छत पर आ गए हैं जहाँ के ये जहाँ ये पिंजरा पड़ा हुआ है, और अब इस पिंजरे को हम पेंट करने लगे हैं। तो पेंट का हमने मिक्सचर बना लिया, अब ये हम लगाना शुरू कर रहे हैं यहाँ। तो ब्लैक कलर हमें मिला नहीं था, पहले ब्लैक कलर हुआ हुआ था, लेकिन अब हमने सोचा चलो ब्राउन ही ठीक है, ब्राउन और ब्लैक में क्या फ़र्क है। अभी पिंजरे का सिर्फ यूँ समझ लें 75% काम हो गया और अभी 25% रहता है काम। तो अब मेरे ख्याल से अब इतना काफ़ी है, बाकी कल करेंगे क्योंकि बहुत थकन हो गई है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई है, बस फ्रंट वाली वो वाली रह गई अब, और अब वो कल करेंगे। और अभी इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।